इस लेक्चर में हम जानेंगे कि डाइजेशन का जो केमिकल प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। इससे पहले के दो लेक्चर्स में आपने पढ़ा कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी और इन सब से एसोसिएटेड जो ग्लैंड्स होते हैं उसके बारे में हमने जाना। इस लेक्चर में हम स्पेशली जो केमिकल प्रोसेस होता है इसके बारे में जानेंगे। जैसे हमारा डाइजेशन जो है हमारे एलिमेंट्री कैनल में माउथ से शुरू होता है, ओरल कैविटी से शुरू होता है, और ओरल कैविटी में होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स जो है हमारे ओरल कैविटी से बाहर होती है और ये डक्ट्स के थ्रू हमारे ओरल कैविटी में अपने सलाइवा को पोर करते हैं। जो सलाइवा होता है उसका पीएच होता है 6.8 और इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होती हैं जो मेनली एमाइलेज और लाइसोजाइम होता है। इसमें बहुत सारे आयंस भी होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं। तो ये आयंस जो हैं ये हमारे पीएच का मेंटेनेंस करते हैं, जैसे सलाइवा का पीएच 6.8 मेंटेन करने का काम इन आयंस का होता है। और जो सलाइवरी एमाइलेज है ये हमारे सलाइवा में होता है और इसका एक्शन पॉलीसेकेराइड्स पे, कार्बोहाइड्रेट्स पे होता है और ये इसे डाइसेकेराइड्स में तोड़ देते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम किसी रोटी को खाते हैं, मान लीजिए सूखी रोटी भी खा रहे हैं, तो उसको चबाने के बाद कुछ देर बाद ये मीठी लगने लगती है। क्यों? क्योंकि 30% जो कार्बोहाइड्रेट है इसका जो डाइजेशन है, ब्रेक डाउन है, हमारे ओरल कैविटी में हो जाता है। तो एमाइलेज का एक्शन पॉलीसेकेराइड में, इसे डाइसेकेराइड में तोड़ने का काम करता है। जो लाइसोजाइम एंजाइम है ये हमारे ओरल कैविटी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाती है। इसके बाद जो हमारा फूड है ये सलाइवा के साथ मिलने के कारण ये स्टिकी हो जाता है और बोलस फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये बोलस जो है हमारे इसोफेगस में बारी बारी से स्वेलो होते जाते हैं, पुश होते हैं, और इस प्रोसेस को हम स्वेलोइंग कहते हैं या डिग्लूटिनेशन कहते हैं। तो इस प्रोसेस के द्वारा जो भोजन है वो बारी बारी से इसोफेगस में जाता है और इसोफेगस में एक मूवमेंट होता है, हमने पहले बताया था आपको कि मस्कुलर कंट्रैक्शन के कारण, जो आपको याद होगा कि दो तरह के मसल्स होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल और दूसरे सर्कुलर, तो इनके जो उनसे कंट्रैक्शन होता है ये बारी बारी कंट्रैक्शन के कारण वेव्स बनती हैं। ये वेव्स बनती हैं और हर वेव्स के साथ एक एक बॉलस जो है इसोफेगस से नीचे जाता है। तो केमिकल प्रोसेस इसोफेगस में एमाइलेज का ही हो रहा होता है क्योंकि इसोफेगस में अपने आप कोई और ग्लैंड्स नहीं है और ना ही किसी एंजाइम का सिक्रीशन होता है। तो हमारा इसोफेगस जो है ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है, इसमें कोई ग्लैंड्स नहीं होती हैं, तो एमाइलेज का ही डाइजेशन इसोफेगस तक होता रहता है। तो जैसे ही ये भोजन इसोफेगस से स्टमक में जाता है तो उस ओपनिंग को काट करता है गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। यहाँ से भोजन स्टमक में चला जाता है और फिर ये वापस नहीं आ पाता है इस स्फिंक्टर मसल्स के कारण। फिर स्टमक की बात करें तो हमने स्टमक में आपको बताया था कि स्टमक के जो लेयर्स होते हैं वो तीन होते हैं, मस्कुलर लेयर तीन होते हैं, सर्कुलर, ऑब्लिक और लॉन्गिट्यूडनल। तो ये तीनों मस्कुलर लेयर के कारण यहाँ पे जो मूवमेंट होता है चर्नी का बहुत ही तेज होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, रुगे होते हैं जो कि फूड को जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं इनके सिक्रीशन के साथ, म्यूकस के साथ, एचसीएल के साथ और पेप्सिनोजन के साथ बड़ी अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और ये फूड जो है हमारा स्टमक में 4 से 5 घंटे तक रहता है। यहाँ पे इसका प्रॉपर जो है डाइजेशन होता है। तो जो पेप्सिनोजन है ये इनएक्टिव फॉर्म में निकलता है हमारे जो सेल्स हैं इससे। इसके बाद इसका एक्टिवेशन जो है ये ऑक्सेंटिक सेल्स से निकलने वाले एचसीएल से होता है। एचसीएल जो है इसको पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है और इसे पेप्सिन में चेंज कर देता है। ये पेप्सिन जो है अब एक्शन करता है प्रोटीन्स पे और इस प्रोटीन ये प्रोटीन्स को प्रोटीओसेस और पेप्टोन्स में तोड़ देता है। तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है इसमें
थोड़ी मात्रा में रेनिन भी होती है। ये रेनिन की जो मात्रा है ये जो रुमिनेंट एनिमल्स के जो बच्चे होते हैं काल्व्स होते हैं इसमें बहुत अधिक होती है। ह्यूमन बींग्स के इन्फेंट्स में भी ये होती है जिससे कि वो दूध का मिल्क प्रोटीन का जो है ये कोगुलेट करके इसको कैल्शियम पैराकैसिनेट में चेंज कर सकते हैं, चेंज करते हैं जो कि हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होती है। फिर रेनिन का जो सिक्रीशन है ये जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं ये हमारे अंदर कम होती जाती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा थोड़ी मात्रा में लाइपेज का भी सिक्रीशन होता है और ये लाइपेज जो है ये लिपिड्स को फैट्स जो हम लोग लेते हैं इसको ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में तोड़ते हैं। तो हमने देखा कि दो जो स्टमक है यहाँ पे एचसीएल का सिक्रीशन होता है, इसके कारण जो पीएच है ये जो इसोफेगस में और बकल कैविटी में 6.8 था ये घट जाता है और ये हो जाता है 1.8। यानी कि जो पेप्सिनोजन है ये एक एक्टिव एसिडिक एनवायरनमेंट में काम करता है। और स्टमक में ध्यान रखने वाली बात है कि प्रोटीन्स का मेनली डाइजेशन होता है और लाइपेज का भी होता है, तो फैट का भी होता है, कम मात्रा में होता है। यहाँ पे कोई भी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद जो HCl है इसका और भी फंक्शन है, ये जो Fe3+ आयरन एटम्स हैं हमारे मॉलिक्यूल्स हमारे स्टमक में उसको Fe2+ में चेंज करता है और Fe2+ को ही हमारी बॉडी जो है ये एब्जॉर्ब कर पाती है जो कि हमारे RBC फॉर्मेशन में काम आते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को HCl का सिक्रीशन कम हो रहा है या उसको गैस्ट्रेक्टोमी की गई है तो ऐसे व्यक्ति में HCl के सिक्रीशन कम होने के कारण जो Fe3+ आयन है ये Fe2+ आयन में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं या कम हो पाते हैं जिससे कि आयरन का एब्जॉर्प्शन हमारे बॉडी में कम हो जाता है और ये एनीमिया हो जाता है, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमारा फूड है ये इसोफेगस से स्टमक में, इसोफेगस में हम इसमें इसको हम बॉलस कहते हैं, इंटेस्टाइन में इसे हम काइम कहते हैं और जब ये काइम पहुंचता है इंटेस्टाइन में तो ये पाइलरिक स्प्रिंटर के द्वारा ये हमारे इंटेस्टाइन में खुलता है और जिस पार्ट में ये खुलता है इसका नाम है ड्यूओडेनम। तो ड्यूओडेनम एक सबसे छोटा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है जो कि सी शेप्ड होता है। और आपको हमने हिस्टोलॉजी में और एसोसिएटेड ग्लैंड्स में हमने जैसा कि बताया है कि ड्यूओडेनम में ही जो पैंक्रियाटिक जूस है और जो बाइल है ये दोनों आकर के खुलते हैं, पोर होते हैं। तो इस जगह पे जहाँ पे ये पैंक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट ये दोनों मिल करके जहाँ पे खुलते हैं इसे हम कहते हैं कॉमन हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट और इसे गार्ड करता है स्फिंक्टर ऑफ बॉडी। तो जब हम लोग भोजन लेते हैं जब ये डाइजेशन का प्रोसेस चल रहा होता है तो एक ऐसा इम्पल्स जनरेट होता है मैकेनिज्म, हार्मोनल मैकेनिज्म के कारण जो हमारे बाइल का सिक्रीशन है ये बढ़ जाता है और पैंक्रियाटिक जूस है ये भी हमारे ड्यूओडेनम में आ जाता है। तो जब हमारा भोजन जो है ड्यूओडेनम में पहुंचता है तो यहाँ पे जो एसिडिक पीएच था स्टमक का वो 1.8 था, तो जो काइम 1.8 में हमारे ड्यूओडेनम में एंटर कर रहा है तो यहाँ पे एनवायरनमेंट फिर से एल्कलाइन होता है। तो ये एल्कलाइन बनाने का इसका काम जो है ये मोस्टली कार्बोनेट आयंस के थ्रू होता है। तो इसमें पैंक्रियाटिक जूस, सबसे पहले हम कंपोजिशन की बात करते हैं। तो जो पैंक्रियाटिक जूस आ रहा है इसमें बहुत सारे प्रो एंजाइम्स होते हैं जैसे ट्रिप्सिनोजन, हीमोट्रिप्सिनोजन और एमाइलेजेस, लाइपेजेस, न्यूक्लियेजेस, बहुत सारे इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। और जो बाइल आता है इसमें दो तरह के सॉल्ट्स होते हैं जो बिलरुबिन और पिगमेंट होता है बिलरुबिन और बिलीवर्डिन। बिलरुबिन और बिलीवर्डिन जो है हमारे बाइल सॉल्ट्स के साथ आता है। तो बाइल सॉल्ट्स होते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम टेरो क्लोरेट और सोडियम ग्लाइकोलेट, ये सब हमारे सॉल्ट्स होते हैं। ये इनका काम जो होता है बाइल का
एंजाइम्स नहीं होती है बाइल में। बाइल का काम होता है सिर्फ इमल्सिफिकेशन करना, तो ये फैट का इमल्सिफिकेशन करते हैं, और इमल्सिफिकेशन मतलब ब्रेक डाउन या स्मॉलर पार्ट में टूटना। तो ये फैट को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में तोड़ देते हैं। तो जो मेनली इंटेस्टाइनल जो डाइजेशन होता है, ये डाइजेशन का प्रोसेस जो है ये सिर्फ ड्यूडनम में होता है, ड्यूडनम पोर्शन में होता है। और जो इंटेस्टाइन का दूसरा पोर्शन है जिसको कि हम ज्यूजनम और इलियम कहते हैं, इसमें जो है कोई भी मतलब ग्लैंड्स जो है जिसकी हमने पहले बात की थी, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स भी होते हैं, क्रिप्ट्स ऑफ लिवर, खून, पीनट सेल, रूनर्स ग्लैंड, ये सब की बात क्या सेक्रेट करते हैं, ये सब भी हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसे आप अगर देखना चाहें तो बैक जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से ग्लैंड क्या सेक्रेट करते हैं। तो ये सब का डाइजेशन जो है हमारे इंटेस्टाइन में होता है। इंटेस्टाइन का जो मेन पार्ट है, जो भी जो प्रोटीओसेस आ रहे हैं, डाइपेप्टाइड्स आ रहे हैं, उनको और छोटे टुकड़ों में तोड़ना, तो इनका हम जो केमिकल इक्वेशंस हैं ये हम आपको बताएंगे एक एक करके। ट्रिप्सिनोजेन होता है प्रो एंजाइम, इसको एक्टिवेट करने का काम एंट्रोकाइनेज करता है, और ये एंट्रोकाइनेज जो है हमारे क्रिप्स ऑफ लिवर खून से सिक्रीट होता है। जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं हमारे इंटेस्टाइन से, उनसे ये सिक्रीट होता है जो प्रो एंजाइम हमारे पेंक्रियाटिक जूस से आ रहे होते हैं। तो कीमोट्रिप्सिनोजेन और ट्रिप्सिनोजेन ये एक्टिवेट होते हैं एंट्रोकाइनेज से, और ये प्रोटीन्स, प्रोटीओसेस और पेप्टॉन्स जो होते हैं इन पे एक्टिवेट करता है और इसे डाइपेप्टाइड में चेंज करता है। जो कीमोट्रिप्सिन है ये मोस्टली मिल्क प्रोटीन पे एक्शन करता है और इसे कोगुलेट करके कैल्शियम पैराकैसिनेट में चेंज करता है। जो डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का हमने बताया था कि माउथ में होता है, ओरल कैविटी में 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो गया। फिर आपने देखा कि स्टमक में किसी भी डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का नहीं हुआ, वहां पे सिर्फ प्रोटीन और फैट का हुआ। जब हम इंटेस्टाइन में आते हैं तो यहाँ पे एमाइलोप्सिन या इंटेस्टाइनल टाइलिन, आप एमाइलेज समझ सकते हैं, इंटेस्टाइनल एमाइलेज या इसको एमाइलोप्सिन कहते हैं, ये फिर एक्शन करते हैं पॉलीसेक्राइड्स को डाइसेक्राइड्स में चेंज करते हैं। फैट्स को तोड़ने का काम लाइपेजेस करते हैं, जो कि उस फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स में तोड़ते हैं। और न्यूक्लियेजेस एंजाइम जो पाए जाते हैं वो हमारे जो न्यूक्लिक मटेरियल होता है, मतलब जो हम लोग फूड ले रहे हैं, तो हर सेल में आपको न्यूक्लिक एसिड मिलेगा, मतलब आरएनए और डीएनए तो हर जगह हर सेल में मिलेगा। तो जो हम भोजन ले रहे हैं, एनिमल प्रोडक्ट या जो प्लांट प्रोडक्ट ले रहे हैं, इसमें आरएनए और डीएनए तो है ही, तो इसको डाइजेस्ट करने का काम जो है ये न्यूक्लियेजेस एंजाइम करती है। तो छोटे उसमें हम लोग और तो ये तो हो गए जो एंजाइम्स जो कि हमारे पेंक्रियास से और जीभ से जो निकले थे, जो हमारे इंटेस्टाइन में आए, तो ये प्रो एंजाइम के द्वारा ये मिल करके जो हमारे प्रोटीन्स, फैट्स और न्यूक्लिक मटेरियल था और कार्बोहाइड्रेट था, इसको डाइसेक्राइड फॉर्म में, मतलब थोड़े छोटे फॉर्म में कर दिया। लेकिन ये भी अभी एब्जॉर्ब होने लायक स्थिति में नहीं होते हैं, इसके ऊपर फिर से और भी छोटे एंजाइम्स जो काम करते हैं, जैसे कि डाइपेप्टाइडेज, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, ये जो एंजाइम्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो डाइपेप्टाइडेज हैं ये डाइपेप्टाइड्स को मोनोपेप्टाइड्स में तोड़ते हैं। जो जैसे लैक्टेज है, ये लैक्टेज लैक्टोज शुगर को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देता है। सुक्रेज जो है, ये सुक्रेज सुक्रोज को जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल में तोड़ देता है। और जो माल्टेज है, ये ग्लूकोज को ग्लूकोज माल्टेज एंजाइम जो है ये दो माल्टोज को जो ग्लूकोज आयंस में तोड़ देता है। जो न्यूक्लियोसाइड्स हैं उसको न्यूक्लियोसाइडेज जो है वो न्यूक्लियोसाइड साइड्स पे एक्शन करते हैं और उन्हें सुगर प्लस बेसिस में चेंज कर देते हैं। बेसिस क्या है, नाइट्रोजिनस बेसिस,
जिसको कि हम एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थायमिन कहते हैं, तो उन सारे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। अब ये जो डाइजेशन का प्रोसेस है अब लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमें क्या मिला, ग्लूकोज मिला, ग्लूकोज और माल्टोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज, ये सब जो मिले अब ये एब्जॉर्बेबल फॉर्म में एमिनो एसिड हुआ, आरएनए डीएनए हुआ, प्यूरिन बेसिस हुआ, अब ये ऐसी स्थिति में आ गए हैं जो कि हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके। तो जैसे कि हमने बताया है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पोर्शन है, इलियम है और जियोजनम और इलियम है, जियोजनम और इलियम वाला पोर्शन जो है ये मोस्टली एब्जॉर्प्शन के लिए ही होता है। और यहाँ पे हमने बताया था कि जो विलाइज हैं ये और ज़्यादा डेंस हो जाती हैं और पतली हो जाती हैं ताकि जो सरफेस एरिया है इंटेस्टाइन का ये बढ़ सके। सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या होगा कि ज़्यादा ज़्यादा देर तक जो फूड मटेरियल हमारे इंटेस्टाइन में फ्लो कर रहा है वो सरफेस में के संपर्क में रहेगा। और जो विलाइज हैं इससे बहुत सारी कैपिलरीज भी रहती हैं इसके अंदर, जो एक विलाई होती है इसके अंदर हमने बताया था कि कैपिलरीज होती हैं और लिम्फेटिक वेसल्स भी होती हैं जिसे को हम लैक्टिसल्स कहते हैं। तो ये जो कैपिलरीज होती हैं ये सुगर और एमिनो एसिड और आरएनए डीएनए वगैरह का एब्जॉर्प्शन कर लेती हैं। ये एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है इसे भी हम तीन तरह से बता सकते हैं। एक तो होता है पैसिव डिफ्यूजन, मतलब अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब जो चीज़ एक साइड में कम है और दूसरे साइड में ज्यादा है तो ज्यादा से कम की तरफ जो जाता है उसे हम कहते हैं पैसिव डिफ्यूजन, मतलब वहां की कोई एनर्जी यूज नहीं होती है। जो दूसरा प्रोसीजर है वो होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड मतलब कोई फैसिलिटेट कर रहा है, जैसे कोई ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि हमारे उसके दीवार में होती हैं, कैपिलरीज की दीवार में होती हैं प्रोटीन्स, ये एक साइड में अटैच हो जाती हैं और फिर पलट के दूसरे साइड में उसे रिलीज कर देती हैं। तो इस तरह के डिफ्यूजन को जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहा जाता है। जैसे फ्रुक्टोज शुगर जो हमारा है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू ही हमारे ब्लड में आता है। और जो तीसरा डिफ्यूजन है उसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, एक्टिव डिफ्यूजन। इसमें क्या होगा कि हम अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किसी भी आयंस का ट्रांसपोर्ट को करते हैं, और अगेंस्ट ले जाने के लिए जैसे किसी चीज को अगर हमें नीचे से ऊपर ले जाना है तो हमें फोर्स लगाना पड़ता है, तो वही फोर्स ऊपर ले जाने में, तो वहाँ ऑलरेडी कंसंट्रेशन ज्यादा है और हमारे फूड में सी कंसंट्रेशन कम है, लेकिन फिर भी हमें उसको वापस नहीं निकालना है, उसको फिर ऊपर की ही तरफ ढकेलना है, ऊपर ही जाना है, तो वहाँ पे हमें एनर्जी की यूज करनी पड़ेगी, तो उसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो इन सब ट्रांसपोर्ट अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्टेशन के मींस से तो जो हमारा एमिनो एसिड है और ग्लूकोज फ्रुक्टोज है, माल्टोज गैलेक्टोज है, ये सब जो है न्यूक्लिक एसिड है ये सब हमारे कैपिलरीज में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन जो हमने बताया था फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स, इनके ड्रॉपलेट्स बड़े होते हैं और ये कैपिलरीज में डायरेक्ट नहीं जा पाते हैं। तो इनको हम कैसे ब्लड में ले जाएंगे, इन यहाँ पे आता है एक्शन लैक्टिसल्स का या लिम्फेटिक वेसल्स का। तो जो ग्लिसरॉल्स और फैटी एसिड्स होते हैं वो एक ड्रॉपलेट्स टाइप का बना लेते हैं, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं जिसको कि हम काइलोमाइक्रॉन्स कहते हैं, और ये काइलोमाइक्रॉन्स जो है आसानी से लिम्फेटिक वेसल्स में लैक्टिसल्स में चले जाते हैं, वहाँ से ये एब्जॉर्ब होते हैं और फिर लैक्टिसल्स के द्वारा मतलब लिम्फेटिक वेसल्स के द्वारा ये आकर के जुगलर वेन बनाता है। जुगलर वेन जो है हमारे इंफीरियर वेना केवा में खुलती है। इस तरह से जो हमारा इंटेस्टाइन से जो फैट्स फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू होता है, तो अल्टीमेटली ये इंफीरियर वेना केवा से होकर के हमारे ब्लड में शामिल हो जाता है। तो इस तरह से एब्जॉर्प्शन जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और अलग अलग फैट्स और इस सब का एब्जॉर्प्शन अलग अलग तरह से होता है, ये आप डिटेल भी देख सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके और उनको सारे मैटर्स को आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब डाइजेशन का प्रोसेस तो हो गया, एब्जॉर्ब भी हो गया, अब जब ये एब्जॉर्प्शन वाला पोर्शन हो गया
तब आपने जो हमने पढ़ा था पहले कि इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, तो एसिमिलेशन की बात आती है। तो एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है? एसिमिलेशन का मतलब होता है जो भी हमने फूड को एब्जॉर्ब किया है वो हमारे बॉडी में जा करके कहाँ पे स्टोर हो रही है और किस काम में लगाई जा रही है। जैसे कि प्रोटीन्स हैं तो हमारे बॉडी बिल्डिंग में और रिपेयर में यूज हो रहा है, जो फैट, एक्स्ट्रा फैट ले रहे हैं हम, वो हमारे लीवर में स्टोर हो रहा है और यह हमारे बॉडी के मेंटेनेंस में यूज हो रहा है, जो कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं वो एनर्जी दे रहा है। तो ये जो प्रोसेस है जिससे कि डाइजेस्टेड जो एब्जॉर्ब मटेरियल्स हैं वो किस तरह से हमारे बॉडी में यूज हो रहे हैं, इसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन भी हो गया। अब जो अंतिम पोर्शन बचता है वो होता है डिफिकेशन। तो डिफिकेशन या इजेशन हम किसे कहते हैं? जो हमारा फूड हमने लिया था और जो इस दौरान पूरे माउथ से लेकर के हमारे लार्ज इंटेस्टाइन तक जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट हुए, जो भी इकट्ठा हुआ, ये सब आ जाते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से, अब आ जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये कोई भी डाइजेशन नहीं करता है और एब्जॉर्प्शन भी इसका सिर्फ स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का और सर्टेन ड्रग्स का। तो ये दो चीज़ों का जो है यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है। फिर वाटर जो हम लोग हमारे लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती हैं, रीअब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो इसके कारण जो काइम था पतला वो अब धीरे धीरे सॉलिड और सेमी सॉलिड फिर सॉलिड होने लगता है और ये फिकल मैटर के रूप में इकट्ठा हो जाता है रेक्टम में। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम लोगों को कोलाइटिस हो जाता है, एंट्रोकोलाइटिस हो जाता है, मतलब हमारे पेट में गड़बड़ी हो जाती है, तो पतली दस्त होने लगती है। तो इस पतली दस्त का मतलब क्या होता है कि जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में भोजन जा रहा है वहाँ पे वो रीअब्जॉर्ब होने वाली प्रक्रिया जो है छोटी हो गई है, मतलब नहीं हो रही है। तो वो जो हमारे इंटेस्टाइन से जा रहा है वही स्मॉल इंटेस्टाइन से जा रहा है वही लार्ज इंटेस्टाइन से निकल जा रहा है, तो बार बार और जल्दी जल्दी लूज मोशन जो है जिसको हम कहते हैं। तो जब हमारा रेक्टम ये फिकल मटर से भर जाता है तो एक इम्पल्स जनरेट होता है और डिफिकेशन की जो प्रक्रिया है ये शुरू होती है और जो अनवांटेड अनडाइजेस्टेड और मेटाबॉलिक वेस्ट है ये सब फीकल मैटर के रूप में एनस से सिक्रीट हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने इन सारे लेक्चर्स में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही डिटेल में पढ़ा। हमने देखा कि इसकी एनाटॉमी कैसी होती है, इसकी हिस्टोलॉजी कैसी होती है और इसके जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है, इसको भी हमने जाना। अब अपने अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि हमारे नेट में आ चुके हैं या प्रोबेबली